कि पूरी दुनिया इंडियंस को अट्रैक्शन के स्केल पे लोएस्ट रैंक करती है. इंडियंस इंडियन एंड इंडियन एंड ब्लैक इंडियंस. आई एम सॉरी, आई जस्ट स्टिंक, रियली हेट द स्मेल ऑफ करी. याओ के हिसाब से इंडियन मेन औरतों की लास्ट प्रेफरेंस है. ओके क्यूपिड, जो कि एक बहुत पॉपुलर डेटिंग वेबसाइट है, रिपोर्ट करती है कि कैसे एक इंडियन को उन्हीं की वेबसाइट पे एक फीमेल द्वारा रिप्लाई आने के चांसेस पूरी दुनिया में सबसे कम है. एक वेबसाइट तो ये भी रिपोर्ट करती है कि इंटरनेशनल डेटिंग की उम्मीद भी रखने के लिए हमारी सालाना इनकम मिनिमम 2.5 से 3 करोड़ की होना आवश्यक है, जिसका अर्थ ये है कि पूरी दुनिया की नजरों में इंडियंस की औकात किसी डेस्परेट छपरी से बहुत ज्यादा नहीं है, जिसमें काफी हद तक गलती हमारी भी है. अब इस समस्या का समाधान क्या है? क्या हमारे जेनेटिक्स वाकई में इतने खराब है? देखिए, इंडियंस के अगर केवल लुक्स की बात करें तो आप जैसा दिखते हैं और जैसे दिख सकते हैं ये दो बिल्कुल अलग इंसान है. अपने जेनेटिक पोटेंशियल की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. आपने कैसी धरती पर जन्म लिया है जहाँ महाराणा प्रताप और सम्राट अशोक जैसे 7-7 फुट के वॉरियर्स की जीन्स हैं, और वैसे भी एक आदमी की वैल्यू का एक बहुत ही छोटा हिस्सा केवल उसके लुक्स पे बेस्ड होता है. तो गलती ठीक करने से पहले जरूरी है गलती को एक्सेप्ट कर पाना. सबसे पहला एक्सेप्टेंस. अंग्रेजों को गालियां देने से पहले एक्सेप्ट कीजिए कि ग्लोबल स्केल पे आपकी वाकई में कोई औकात नहीं है. ना तो आपके पास पैसा है, ना बेशुमार फेम है, ना आपने अपने करियर या अपने आप पे बहुत ज्यादा मेहनत करी है. देखिए, घड़े के अंदर पानी तभी जा पाता है जब घड़े में जगह हो. अगर आपने अपने दिमाग के अंदर अपने आप को पहले ही राजा मान लिया है तो आप अपने आप को कभी बेहतर नहीं बना पाएंगे. जहां आता है हमारा अगला पड़ाव, कॉम्पिटिशन, जिसे देखने के दो तरीके हैं. सबसे पहला, यार मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, शक्ल से वैसे ही पागल लग रहा है, किस्मत का ही खा रहा होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है. दूसरा, यार ये मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है और मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, इसका मतलब ये कुछ तो ऐसा कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ. अपने से ऊपर के लोगों को स्टडी करके आप ना सिर्फ खुद से बेहतर हो सकते हैं बल्कि बहुत कम समय में उनसे आगे भी निकल सकते हैं. देखिए, एक आदमी का कर्तव्य है उसको दिए गए शस्त्रों में से ही वो युद्ध को समझे भी और युद्ध में जीत भी हासिल करे. क्योंकि अगर आप शिकायतों के जाल में फंस गए तो आपसे कहीं गुना कम कैलिबर और कम दिमाग वाले लोग आप ही को कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे. ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चेंबर ऑफ गॉड्स को, और अपने लुक्स और वैल्यू को बढ़ाने की एक बिल्कुल फ्री बिगिनर्स गाइड डाउनलोड कीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से.